नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी कठिन सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गीता पढ़ने के नियम क्या है, श्रीमद् भगवद गीता कितनी बार पढ़ने चाहिए और इसे पढ़ने के क्या लाभ हैं? चलिए बताते हैं आपको। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं, तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे, तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे, तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। सातवीं बार गीता पढ़ने से हमें ये पूर्णतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के नियम। भगवद गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। तो ये है गीता पढ़ने से जुड़ी कुछ खास बातें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।